फेयर। हम कुछ तकरीबन एक माह पहले रूमी वाटरफॉल के जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो भी एक मुश्किल रास्ता है। जब हम वहाँ तक आए थे तो उसके दो पॉइंट हमारे सामने क्लियर हुए थे, थोड़ा चलने के बाद मुश्किल रास्ते हैं वो भी। लेकिन जब हम सेकेंड पॉइंट के एंड तक पहुँचे तो हमारी नज़र आगे पड़ी कि इससे ज़्यादा खूबसूरती हमें कुछ थोड़ा सा आगे लग रही थी। तो कुदरत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप जज्बा रखते हो तो कुछ चीज़ें आपकी स्पेशल छुटी हुई होती है। तो हमारी कोशिश थी, जो हमें कई साथ हैं, उस दिन हमारा ये प्लान था कि इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, जिस भी रही तो जब भी आ सके हम इसको जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो उसी दिन हमने अपना ये प्लान सेट किया कि अनखरीद जो हम इसको विजिट करेंगे। तो आज हम अपनी जबाज टीम के साथ मेरी टूर एडवेंचर क्लब के जो हमने बनाया है उसके साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक मुश्किल रास्ता था लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसकी खूबसूरती देख कर हैरान है। और मजीद आपको हमें भाई बताते हैं इसके बारे में कि हम कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या इसकी वैल्यू है। और आज तक किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा सच्चा था, हम आज यहाँ पे पहुँच गए। मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि आमिर भाई की गाइडलाइन में और मेरे दोस्तों की गाइडलाइन में हम जा रहे हैं। जी आमिर भाई, वालेकुम। मैं आमिर नदीम। जैसा कि आपको शाम भाई ने बताया, इस जगह को हम देखने का बहुत तजस्स था। तो कई बार जब हम ऊपर आए, हम दो जगह पहुँचे हैं, तो ऊपर से हमने देखा है कि नीचे